धीरज जी धीरज जी क्या हुआ? ये आए क्यों नहीं अब तक? धीरज जी मुकुंद जी, आपको मैंने कहा ना आप चलिए आराम कीजिए, क्यों आ रहे हैं बाहर? हाँ, अरे एक बार देखूं तो सही, हुआ कुछ नहीं? हुआ है, वो तेज हवा आई तो वाज गिर गया और टूट गया, तो कांच बिखर गया। मैं रामप्रसाद से कहती हूँ वो उठा देगा। ठीक है, आप प्लीज कमरे में बैठिए, आराम कीजिए, चोट लगी है आपको। खून बह गया, कहीं ज्यादा गहरी चोट ना आई हो। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। रख दिया फर्स्ट एड बॉक्स, जब जरूरत हो तब कभी कोई चीज नहीं मिलेगी। यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? मुकुंद जी फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है पता है क्या आपको? फर्स्ट एड बॉक्स? क्या हुआ, चोट लगी है आपको? बैठिए। नहीं नहीं मुझे चोट नहीं लगी, वो गंगा को लग गई है, वो कांच उठा रही थी, तो आप मुझे दीजिए, मैं बैंडेड लगा देती हूँ उसे। चलिए आपके साथ चलता हूँ। आप रुकिए, मैंने कहा ना वो पुराने कल्चर की है, तो मैं ही जाती हूँ, आप आराम कीजिए, मैं आती हूँ। काहे आइए आप यहाँ, चले जाइए यहाँ से, अकेला छोड़ दीजिए हमें। देखिए आपने जो कुछ भी देखा और जो समझा वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कमरे से जा ही रही थी, वो बस मुकुंद जी ने उस वक्त, खैर छोड़िए, लाइए मैं आपका जख्म भी क्लीन कर देती हूँ, खून इतना बह रहा है, लाइए दीजिए। हमें कहाँ ना रहने दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए हमें। बाहर की चोट तो ठीक हो जाएगी कुछ दिन में, पर उस चोट का कहा जो हमारी आत्मा पर लगी है वो बहुत ही गहरी है मीरा जी, उसका क्या करेंगी आप? वो तो इस दवा से ठीक ना होगी। जाइए आप यहाँ से, काहे हमारे भरे हुए जख्म को बार बार खुरेद रही हैं आप। रेणुका जी, मैं आपका दर्द, आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा लगता होगा जब आप मुकुंद जी को मेरे करीब देखती होगी। यकीन मानिए मैं खुद हर पल यही सोचती हूँ कि कैसे मैं मुकुंद जी की लाइफ से चली जाऊँ, ताकि आपको आपका प्यार वापस मिल सके और आपका घर वापस बस जाए। आप तो केवल कल्पना कर रही हैं, पर हम तो खुद ही अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम जानते हैं कि आप हमें तिवारी जी से मिलाना चाहते हैं, लेकिन अभी हम अकेला रहना चाहते हैं। आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कि तिवारी जी खुद ही यहाँ आ जाए आप चले जाइए। फर्स्ट एड बॉक्स रखा है यहीं पर, पट्टी लगा लीजिएगा। अरे वाह, अरे वाह,
ये क्या है? देविका जी ने भेजा है आपके लिए। दीदी ने? पर आपको मम्मी जी ने फोन करके नहीं बताया कि वे सब भेज रही हैं? नहीं, सरप्राइज देने की तो आदत है ना उनकी। पर ओकेजन क्या है, कोई फेस्टिवल है क्या? रुको रुको रुको, देखती हूँ शायद कुछ लिखा है। डियर मीरा, ये तुम्हारी पहली तीज है। मैं वहाँ तुम्हारे साथ नहीं हूँ, पर बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें अक्की और नव्या को ये शगुन भेज रही हूँ। सारे ट्रेडिशंस, रस्म रिवाजों के साथ पूजा करना और अक्की और नव्या से भी अच्छे से पूजा करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी बड़ी बहन बीरी। मैं तो भूल ही गई थी कि कल तीज है। वैसे मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है तीज के बारे में, कैसे मनाते हैं, पूजा एंड ऑल। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। थैंक यू, आई एम सो एक्साइटेड। यू नो, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। या आई मीन कभी कभी। सो ये वाली मेरी। हाँ हाँ, तुम्हें जो पसंद है वो वाली रख लो। बट अगर तीज कल है तो फिर हमें आज काफी सारी तैयारियां करनी होंगी। अरे मीरा जी, जब हमें तो क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी हेल्प कराते हैं। क्यों? एक काम करता हूँ, मैं भी कल छुट्टी ले लेता हूँ। नहीं प्लीज, तुम रहने दो। तुम हेल्प करने के बजाय ना काम से बढ़ाओगे। बस इतना करना कि ऑफिस से शाम की पूजा के लिए टाइम से आ जाना, बस। ये क्या यार, दैट्स नॉट फेयर। मतलब सिर्फ लड़कियों के लिए गिफ्ट है, हम लड़कों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। बिल्कुल, तूने हक की बात की, बिल्कुल हक की बात की। एक्सक्यूज मी, कौन से हक की बात बोली है? व्रत हम रख रहे हैं, एक गिफ्ट काफी नहीं है तुम लोगों के लिए? एकदम सही बात है। एक मिनट नव्या, भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है। भूलो मत, तुम और अक्की प्रेग्नेंट हो, इसलिए फ्रूट्स भी खाओगे और जूस भी पियोगे, समझे? मीरा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। व्रत रखना है लेकिन भूखे नहीं रहना है। ठीक है पापा, जिस भी चीज में आप लोगों को खुशी मिले वही करेंगे, है ना? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, अक्की और नव्या की शादी के बाद पहली तीज है। मुझे तो लग रहा है कि पूरा घर सजाना चाहिए। और सजाना क्या चाहिए, मुझे लगता है कि आज शाम से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? एक्सक्यूज मी मिस्टर मुकुंद तिवारी, आप शायद भूल रहे हैं कि हमारी मिमी की भी पहली तीज है। मुझे तो कमाल हो जाएगा, अब श्रृंगार का इतना सामान भेजा है देविका जी ने, साड़ियां भेजी हैं। कल आप तीनों बिल्कुल सज धज के हमारी धड़कने रोकने के लिए तैयार रहना बस। मैं बस सामान देख रही थी, तीज का शगुन भेजा है ना मेरी बड़ी बहन ने, तो पहली तीज है ना आपकी, पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ मनानी चाहिए आपको। हम तो केवल जो सिंदूरदानी देने आए थे आपको, जो सिंदूरदानी थाली से गिर गई थी, ध्यान नहीं गया आपका। देखिए, एक औरत के श्रृंगार की सबसे अहम चीज है ये। जे लीजिए, जे सिंदूर अब आपका है। हम भी बड़े चाव से मनाते थे जे तीज का त्योहार, अच्छे से बन सवर की पूजा करते थे, पूरी रात सो नहीं पाते थे, इसीलिए हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं। पर आप चिंता ना करिए, अब जे अधिकार आपका है, हमें तो बस तिवारी जी और अपने परिवार की खुशी चाहिए। पूजा तो कौनो भी करे, आप या हम, कौनो फर्क नहीं पड़ता है। नहीं रेणुका जी, पूजा आप करें या मैं, इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि क्योंकि मुकुंद जी पर मुझसे ज्यादा आपका हक है, मुझसे पहले वो आपके हैं, और इसीलिए तीज की इस पूजा में उनके साथ आपको होना चाहिए। मैं आपका ये हक नहीं छीन सकती। एक
ये लीजिए, इस तीज के श्रृंगार पर मेरा नहीं आपका हक है। जे का बोल रही हैं आप मीरा जी? जे नहीं हो सकत है, हमारा मतलब है जे कैसे संभव है। रेणुका जी यही होना चाहिए और यही होगा। लाइट्स ऑन करो। हाँ तो जल्दी भिजवाइए ना, यहाँ पूजा शुरू होने वाली है। हाँ मैं सेंड कर रहा हूँ। हाँ बैठो नव्या, अक्की आ जाओ। अरे आदि और ऋत्विक चलो जल्दी आओ। नव्या और अक्की को मेहंदी लगाओ, मतलब पूरी मेहंदी नहीं लेकिन अपना अपना नाम लिखो उनके हाथ पे शगुन के लिए। ठीक। अरे एक मिनट, सिर्फ फर्स्ट लेटर नहीं लिखना है नाम का, पूरा नाम लिखना है बाबा। ठीक है, आप चाहे तो पूरा सिग्नेचर कर लो। आदि हर वक्त मजाक, चलो पूरा नाम लिखो। हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, तुम भी मीरा जी के साथ रहके बहुत स्ट्रिक्ट हो गई। पापा कहाँ हैं? पापा नजर ही नहीं आ रहे। हे भगवान, मेरा ये हंसता खेलता परिवार ऐसे ही खुश रहे, मुस्कुराता रहे, बस किसी की नजर ना लगे। हमें हर बुरी नजर से बचा कर रखना भगवान, बस इतनी सी विनती है। पापा आइए ना, इधर आइए, आप भी मीरा जी के हाथ में मेहंदी लगाइए, आइए। अरे मुकुंद जी और मेहंदी रहने दो, मैं बिना मेहंदी के ठीक। नहीं मीरा जी, ऐसे कैसे चलेगा? आप ही ने कहा था ना ट्रेडिशंस फॉलो करने, तो आपको भी पापा के हाथ से मेहंदी लगवानी पड़ेगी। चलिए पापा, अपना नाम मीरा जी के हाथ में लिखिए और एकदम साफ साफ कि अच्छे से पढ़ पाए। अरे लिखिए ना मुकुंद जी, सोच कह रहे हैं हम। और पापा सिर्फ नाम नहीं, पूरा नाम। हाँ हाँ लिख रहा हूँ, रुक तो जाओ। दीजिए मीरा जी। लाई नव्या, ये मिल। अरे अरे साड़ी खराब हो गई, मैं अभी आती हूँ। हाँ Thank you.
हाथ दीजिए, रहने दीजिए। हम कह रहे हैं ना, कोनो फायदा नहीं है ये सब करने का। आप जो सोची हैं वो होने वाला नहीं है, और हमें लगता है कि ये सब गलत भी है। जो मैंने सोचा है वो होगा, और उसमें कुछ गलत नहीं है। आप ये सब मत सोचिए, लाइए अपना हाथ दीजिए। मैं तीज के शगुन की मेहंदी आपके हाथ पे लगा देती हूँ। कम से कम मुकुंद जी के नाम का पहला अक्षर तो लिख लीजिए अपने हाथ पर। लाइए। किस मिट्टी की बनी है आप? अपने प्यार और अपने पति को दान कर रही हैं आप? हमें क्षमा कीजिएगा, हम गलती किए कि हम आप सबके जीवन में वापस आए गए और आपकी खुशियों को आग लगाई दी। सचमुच सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था ना हमारे आने से पहले। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब मत सोचिए, अपने आप को दोष मत दीजिए, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, मेरा तो नाम ही मीरा है। मीरा के नसीब में यही तो होता है, और अब जो भगवान ने लिख दिया है उसे तो कोई वैसे भी नहीं बदल सकता, ना आप ना मैं। सही कहा आपने, जो भगवान ने लिख दिया है उसे कोई ना बदल सके। बस बस गंगा जी, मुझसे ज्यादा नहीं पिया जाएगा, पेट फट जाएगा मेरा। प्लीज नव्या, पीना पड़ेगा। यार आप सब अमीरा जी मिलके ना मुझे मोटा कर दोगे। बस अब और नहीं, बस थैंक यू। पेट फट जाएगा मेरा। प्लीज अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो दोनों। वो क्या कहते हैं, नजर ना लगे। एक मिनट ऐसे ही करते हैं ना। हाँ अब ठीक है। पर मीरा जी आप तो रेडी नहीं हुए अभी तक। अरे तो मैं तो सबसे बड़ी हूँ ना, तो मैं तो बाद में भी तैयार हो सकती हूँ। मैंने सोचा मैं पहले जाकर देख लूँ कि तुम दोनों ठीक से रेडी हुए हो या नहीं। और वैसे रेडी तो बहुत अच्छे से हुए हो, मगर फिर भी एक कमी है। कमी? क्या कमी? शगुन की लाल साड़ी पहन ली, मेहंदी तक लगा ली, ज्वेलरी, व्हाट्स मिसिंग? आई नो, लेकिन बताती हूँ। और ये ऐसे। आजकल के टाइम पे घूंघट कौन रखता है? I know, but याद है ना बीडी की चिट्ठी, उसमें क्या लिखा था उन्होंने कि ये पूजा फुल ट्रेडिशंस के साथ करना, रस्म के साथ एंड ऑल दैट। तो मैंने ना नेट पे अच्छे से चेक किया है, तो जो भी ट्रेडिशंस हैं उसमें सर पे घूंघट लेना भी इज वन ऑफ द ट्रेडिशंस। उससे वो भगवान को सम्मान दे रहे हैं हम, ऐसा लगता है। तो इसलिए जब कर ही रहे हैं पूजा तो अच्छे से करें। ओके। एंड हाँ, ये जो घूंघट है ना ये ऐसे नहीं लेना है। तो फिर ऐसे यहाँ तक। okay. और यहाँ तक लेना है ताकि चेहरा ना दिखे। डोंट वरी, मैं भी ऐसे ही तैयार होने वाली हूँ। आई मीन मैं भी ऐसे ही घूंघट लेने वाली हूँ। ओके ओके, अभी हटा सकते हो, मैं आती हूँ तैयार होके। ओके।